भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे के दौरान भारतीय फील्डर्स की खराब फील्डिंग देखने को मिली और इसका एक उदाहरण तब देखने को मिला जब मोहम्मद सिराज ने रविंद्र जडेजा की गेंद पर कैच छोड़ दिया। भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ओपनर्स द्वारा अच्छी शुरुआत के बाद कंगारू टीम ने एकदम से अपने विकेट गंवा दिए और एक बड़े स्कोर तक पहुंचने की अपनी उम्मीद को खत्म कर दिया। हार्दिक पांड्या ने शुरुआती 3 विकेट लेकर भारत की वापसी कराई तो वहीं ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने किफायती गेंदबाजी करके ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज पर दबाव बनाए रखा। जडेजा ने अपने 10 ओवर में बेशक विकेट नहीं लिया लेकिन सिर्फ 34 रन देकर उन्होंने एक छोर से प्रेशर बनाए रखा। हालांकि एक पल ऐसा आया जब जडेजा को विकेट मिल सकता था लेकिन मोहम्मद सिराज ने कैच को ड्रॉप कर दिया। इस ड्रॉप कैच को देखकर जडेजा उन पर भड़कते हुए दिखाई दिए। यह घटना ऑस्ट्रेलियाई पारी के 20वें ओवर में देखने को मिली जब जडेजा के इस ओवर की आखिरी गेंद पर डेविड वार्नर ने हवाई शॉट मारा लेकिन गेंद और बल्ले का अच्छा संपर्क नहीं हुआ जिसके चलते टॉप एज लगा और गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर पर खड़े मोहम्मद सिराज की तरफ जाने लगी। कैच के लिए दौड़े मोहम्मद सिराज के डाइव लगाने के बावजूद वो इस कैच को नहीं पकड़ पाए जिस पर रविंद्र जडेजा काफी ज्यादा ही उन पर नाराज दिखाई दिए।